हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स है, स्किन में टाइनिंग आ गई है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, पिंपल्स हैं, अगर आपकी स्किन में फाइन लाइंस है, डार्क सर्कल हैं, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आप देखोगे फर्स्ट ही एप्लीकेशन में आपके फेस से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और स्किन बहुत ही ज़्यादा हीरे के जैसे चमकने वाली है। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड करूँगी। कॉफ़ी हमारी स्किन को निखार देती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करती है, कॉफ़ी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, स्किन को यूवी रेज से बचाती है, स्किन को स्मूथ करती है, एंटी एजिंग इसके गुण होते हैं इसमें, चेहरे से फाइन लाइंस को कम करती है, कॉफ़ी पैक पिंपल्स एक्ने को भी हटाने में मदद करता है, डार्क सर्कल को भी रिमूव करता है, ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है, चेहरे की थकान को मिटाता है, स्किन में नई जान डालती है, स्किन का ग्लो बढ़ाती है, स्किन को गोरा करती है और स्किन को टाइटनिंग का भी काम करती है। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है। उसके बाद जो मैं यहाँ नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट ऐड कर रही हूँ, चावल का आटा। मैंने यहाँ पे ये मार्केट वाला यूज़ किया है। आप चाहे तो घर में मिक्सी में ग्राइंड करके भी फाइन पाउडर इसका रेडी कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। चावल के आटे को चेहरे पर लगाने से रंगत निखरती है, डार्क सर्कल रिमूव होते हैं, टैनिंग हटती है, डेड स्किन दूर होती है, त्वचा में चमक आती है और पिम्पल्स को भी ये हटाता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये पोटैटो जूस। मैंने पोटैटो को ग्राइंड करके उसका अच्छे से जूस निकाल लिया था। पोटैटो जूस भी हमारी पिगमेंटेशन को कम करता है, जो हमारे फेस पे ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं उसे हटाता है, डार्क सर्कल हटाता है और स्किन को निखार देता है। इसे अच्छे से आप मिक्स करें। तीनों इंग्रेडिएंट को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और स्मूथ सी पेस्ट बना के रेडी कर लेनी है। ये सारी स्किन प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन है। आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, पिंपल्स के भी निशान हैं, कुछ भी है, दाने भी हैं, डार्क सर्कल है, तो उसे भी ये ठीक करेगा। इस तरह से देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए और हमारा ये पैक बन के रेडी है। अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, ये पैक जो मैंने बना के रेडी किया है, अब मैं अपने फेस पे इसे अप्लाई करूँगी। आप इसे अपनी आंखों के नीचे भी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें हमने तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट हमारे आंखों के नीचे के डार्क सर्कल को भी रिमूव करते हैं। गर्दन पे भी आप जरूर अप्लाई करें। अगर आपकी गर्दन पे टैनिंग होगी तो उसे भी ये निकाल देगा। और समर में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है हमारी गर्दन पे, हैंड्स पे, फीट पे, तो आप इसलिए गर्दन पे भी जरूर अप्लाई करें। इस तरह से फ्रेंड, पूरे फेस पे आपने इसे अप्लाई कर लेना है और 20 मिनट्स तक आप इसे इसी तरह से रखिएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगी कि क्या रिजल्ट आया है। फ्रेंड्स, मेरा पैक बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं इसे आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। रिमूव करने के लिए आपको इस तरह सॉफ्ट से कॉटन की क्लॉथ ले लें और पानी में अच्छे से इसे गीला कर लें। फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। बहुत ज़्यादा क्लीन, स्मूथ लग रहा है, सॉफ्ट भी लग रहा है। तो इसे आप अप्लाई कीजिए हफ्ते में 2 बार और इसके साथ साथ अपनी CTM रूटीन भी फॉलो करते रहिए। आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ना कोई पिगमेंटेशन, ना कोई स्पॉट्स, ना कुछ पिंपल्स, कुछ नहीं रहेंगे। स्किन एकदम क्लीन एंड क्लियर होगी और आपको बहुत ही अच्छा इसका। आई होप गाइज, आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरे कोई आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सो गाइज, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड लव यू गाइज।